आज हम लोग बात करते हैं नवीन कुमार जी से, जो आज तक में वरिष्ठ पद पे कार्यरत हैं और चर्चित टीवी जर्नलिस्ट हैं। न्यूज 24 समेत कई चैनलों में बड़े पदों पे काम कर चुके हैं और इनके शोज, इनका वॉयस ओवर काफी चर्चित है टेलीविजन इंडस्ट्री में। नवीन कुमार जी आईएमसी से उत्तीर्ण होने के बाद आलोक तोमर जी के साथ उन्होंने काम सीखा और अपने बागी और अपने मिशनरी तेवर के लिए जाने जाते हैं। लीक से हटकर पत्रकारिता करते हैं और एक कवि के रूप में, एक अच्छे लेखक के रूप में, एक अच्छे वक्ता के रूप में मशहूर हैं। आलोक तोमर जी के स्मृति में आयोजित एक कार्यक्रम में ग्वालियर में आए हुए हैं। बात करते हैं हम लोग कि आलोक तोमर जी को लेकर जो नवीन जी के पास यादें हैं और कैसे आलोक तोमर जी से कैसे संपर्क हुआ। नवीन जी थोड़ा बताइए, और आप इसमें ग्वालियर में हैं, उनको हम लोग याद करने के लिए यहां पे आए हुए हैं, कैसे आप थोड़ा सा बताइए लोगों को कि आपका जुड़ाव कैसे आलोक तोमर जी से हुआ और क्या कुछ उन्होंने आपके करियर, जीवन, सोच पे असर डाला। नहीं, आलोक जी से मेरी मुलाकात जो है वो इत्तफाकन थी। मेरा एक दोस्त वहां काम करता था और आलोक जी के यहाँ तब वो डेट लाइन इंडिया चला रहे थे जी। और मैं आईएमसी से पास आउट ही हुआ था और उस समय कई छोटी छोटी जगहों में काम करके लगभग बेरोजगार ही था जी। और तब मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं नौकरी करूं, और मेरा मन मिजाज नौकरी के लायक था भी नहीं। तो वैसे ही मैं चला गया था आलोक जी के यहाँ अपने दोस्त से मिलने। तो वहीं मेरी पहली मुलाकात आलोक जी से हुई और उन्होंने पूछा कि क्या करते हो। तो उस दिन काम ज्यादा था जी। तो और हम मुझे अपने दोस्त के साथ निकलना था, तो मैंने उसको कहा कि सुनो काम ज्यादा है। उसने कहा कि वो चल नहीं पाएगा। तो मैंने कहा कि लाओ मैं तुम्हारा काम निपटा देता हूं। तो मैंने उसकी कुछ खबरें लिख दी और आधे घंटे 40 मिनट में हम लोगों ने सारा काम निपटा दिया। तो आलोक जी ने कॉपी देखी तो उन्होंने मेरे उस दोस्त से कहा कि ये किसने लिखा। तो उसने कहा कि नहीं, आया हुआ है, मेरा दोस्त है और इसने लिखा है। तो उसने किया है। तो तब आलोक जी ने कहा कि मिलवाओ। और उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि तो नौकरी कर लो, यही कर लो। तो मैंने कहा कि नौकरी तो मुझसे हो नहीं पाएगी। उन्होंने कहा कि नौकरी मैं तुमसे करवा भी नहीं पाऊंगा, तो तुम काम कर लो कुछ 2 घंटे 4 घंटे। तो वो मेरी पहली मुलाकात थी। उसके बाद कुछ मुलाकातों के बाद मुझे लगा कि आलोक जी सांस्थानिक स्ट्रक्चर में काम नहीं करते हैं। वो दरअसल चंबल से आए थे, तो पत्रकारिता में भी अपने साथ अपना चंबल साथ लेकर आए थे। तो वो रूल तोड़ते थे और मुझे ये बड़ा पसंद था। जैसे वो किसी भी समय कह देते थे कि छोड़ दो काम वाम तो होता रहेगा, एक काम करो चलो सिगरेट पी कर आते हैं। तो हम लोग उनके दफ्तर के पास ही एक कोने पे दुकान थी और वहां सिगरेट खरीदना। कई बार कहते थे कि अब मैं 5,000 रुपए की पगार पाने वाला आदमी हूं, और कहते थे 200 रुपए उधार दो तो आज मेरे पास सिगरेट का भी पैसा नहीं, मैं तुमको चुका दूंगा, जो उन्होंने कभी नहीं चुकाया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि एक इतना बड़ा पत्रकार, उनकी रिपोर्टें मैं पढ़ चुका था जब मैं जनसत्ता में था कुछ समय पहले, और सिख दंगों पर जो रिपोर्टिंग की थी। तो ये तो मानना पड़ेगा कि आज भी पत्रकारिता में, वो चाहे आप टेलीविजन ले लीजिए चाहे आप प्रिंट ले लीजिए, वैसी भाषा तो कोई नहीं लिख रहा है। मतलब उसके आसपास की भी भाषा नहीं है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने आलोक जी के शिल्प को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कुछ दिनों के बाद कि दरअसल वो कोई शिल्प फॉलो ही नहीं करते थे। अब जैसे बड़ा मजेदार किस्सा है, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें सुषमा, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास जो जानकारियां हैं वो देश के हर पत्रकार के पास अमूमन इस सेटअप में वही जानकारी उसके पास है, तो लेकिन तुम लिखोगे कैसे, उसको पेश कैसे करोगे, यही उस तुम्हारी जानकारी को पठनीय बनाएगा। तो जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि सुषमा स्वराज के लिए लिखना हो तो क्या लिखोगे, तो अब उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, सुषमा स्वराज INB मिनिस्टर थी। तो मैंने कहा कि अब क्या लिखूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, सोचो 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 और सोचो।
उन्होंने कहा तुम कुछ नहीं करोगे, सुषमा स्वराज के लिए एक तुम मुहावरा बनाओगे। अब सुषमा स्वराज के लिए कोई क्या मुहावरा बना सकता है, लेकिन उन्होंने मुझे इतना तंग कर दिया कि मैंने खींच के कह दिया कि भारतीय राजनीति में सबसे बड़ी बिंदी लगाने वाली सुषमा स्वराज। उन्होंने कहा ये चाहिए था। तो ये बियॉन्ड इमेजिनेशन था कि एक आप किसी चीज को लिख रहे हैं तो उसको पठनीय बनाने के लिए, एक दिलचस्प बनाने के लिए, आप अपने पाठक से कनेक्ट करने के लिए कैसे आप उसको। दरअसल खासकर टीवी क्या, क्योंकि मैं टीवी माध्यम में काम करता हूं, तो टीवी लगता है कि टीवी फिक्शन और फैक्ट्स है जी। आप तथ्यों को कहानी की तरह प्रेजेंट करते हैं, जब तक कि आप उसको फिक्शनाइज नहीं करेंगे वो दर्शकों को बहुत जमता नहीं है। जैसे अगर आप कहें कि कासगंज में दंगा हुआ और वहां 4 लोग मारे गए या प्रशासन ने कुछ नहीं किया, तो ये शायद बात वैसी नहीं रह जाती है। लेकिन अगर आप लिखेंगे कि कासगंज के कलेक्ट्रेट से 1.5 किलोमीटर आगे एक मोहल्ले की 3री गली का 7वां मकान अभी भी उजाड़ पड़ा हुआ है, वहां कुछ कुत्ते बैठे हुए हैं और 3 फरलांग की दूरी पर 2 पुलिस वाले ऊंघ रहे हैं, तो ये आपकी चीज को बहुत सजीव बना देता है। आलोक जी इसमें माहिर थे, ये उनसे पाठ की रुचि जो पैदा होती कैसे होती है वो जानते थे। और दरअसल जैसे मैं उनके किताब का नाम मैं सोचता हूँ, हरा भरा अकाल, हरा भरा अकाल, अकाल हरा भरा कैसे हो सकता है, ये अपने आप में ही कंट्राडिक्टरी है। लेकिन ये कंट्राडिक्शन कितना मजेदार है, अगर हरा भरा अकाल पढ़े तो उसके आखिरी तो चरमज में आता है हाँ, कि मैं फ्लाइट से लौटते हुए सोच रहा हूँ कि उस लड़की को खाना मिला होगा कि नहीं, आने जाने का किराया मिलाकर 5,000 रूपये। आप कहीं और ले जाते हैं अपने पाठक को, दरअसल आप उसको पकड़ते हैं और आप उससे जबरन पढ़वाते हैं। तो ये जो चंबल की डकैती है ना पत्रकारिता में, किसी को पकड़ के पढ़वा लेने की, क्या बात, ये डकैती आलोक जी का हुनर था, कमाल का हुनर था उनके पास। हम में से सबको सीखना चाहिए, और मुझे लगता है कि उनका न रहना मतलब पत्रकारिता के छात्रों के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर गया है। वो बिल्कुल तमीजदार आदमी नहीं थे, उनमें कोई सलीका नहीं था, इतना अनार्किस्ट, इतना अराजक आदमी पत्रकारिता में मैंने कभी सुना नहीं, मैंने कभी देखा नहीं, न खाने में उनके डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं थी उनमें, सिवाय सुबह जल्दी जग जाने के और एक आर्टिकल लिख देने के ये बिल्कुल तय था, एकदम तय था। और ये इतना करके वो मुक्त महसूस करते थे, मैंने अपना धर्म निभा लिया। फिर वो दिन भर की अराजकता के लिए अपने आप को छोड़ देते थे कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो कमाल का था मतलब। और इसको यूं भी तो देख सकते हैं हम लोग, जैसे एक कहते हैं कि ये बहुत साधना के बाद हासिल होती जाती है चीज, कि आप तत्क्षण में जीने लगे, आगे कुछ भी न प्लान करें, सोचें जहां जैसे जो हो रहा है उसमें बहते जाएं, या कुछ उसमें अपने कुछ कंकर फेंक दें, मतलब एक नहीं, ये साधना तो है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये साधना से, अगर आपका तात्पर्य ट्रेनिंग से है जी, तो मुझे लगता है कि ट्रेनिंग से कोई लेखक नहीं हो सकता है। और यही अंतर है, जैसे आलोक जी से मेरी बातें होती थी तो हमेशा एक बात निकल कर आती थी कि वो कहते थे कि जानते हो, एक राजमिस्त्री में और एक मूर्तिकार में फर्क क्या होता है। राजमिस्त्री क्या करता है कि वो खड़ी खड़ी दीवारें बनाता चला जाता है, फिर छत डाल देता है, फिर दरवाजे की जगह छोड़ देता है। लेकिन एक जो मूर्तिकार होता है वो एक अनगढ़ पत्थर में एक आकार सोचता है। तो वो कहां से शुरू करता है और कहां तक वो पहुंचना चाहता है, वो आपको तब तक नहीं मालूम होगा जब तक कि वो अपनी रचना को पूरी न कर दे। बिल्कुल बेशक। तो एक पत्रकार भी ऐसा ही होना चाहिए। अदरवाइज आप अगर एक कोई ग्रामर फॉलो कर रहे हैं लिखने का, अगर आप कोई ग्रामर फॉलो कर रहे हैं टेलीविजन का, आप कोई ग्रामर फॉलो कर रहे हैं प्रेजेंटेशन का, तो वो एक समय के बाद ऊब पैदा करेगी। उस ऊब से कैसे व्यूअर को या पाठक को निकालना है, ये आलोक तोमर ने इसको साध लिया था। और जो मुझे लगता है और जिसको बहुत अंडरलाइन किया गया है, मुझे लगता है कि आलोक तोमर हिंदी पत्रकारिता ने उनके साथ न्याय नहीं किया। वो जिस जगह के हकदार थे वो जगह उनको नहीं दी गई। जनसत्ता छोड़ने के बाद उन्होंने जो जीवन जिया है
वो बहुत असाधारण और बहुत कष्टदायक जीवन था। उसको प्रेरणादायक बनाने की जिम्मेदारी पत्रकारों, पत्रकारिता और उनकी जमात की थी, जो जिससे लोग भागकर खड़े हो गए। मैं देखता हूं कि आज मीडियोकर किस्म के पत्रकार जब बहुत बड़ी बड़ी कुर्सियों पर होते हैं, उन्होंने बड़े बड़े संस्थानों को अपने तरीके से चलाया, तो लगता है कि एक इतना बड़ा पत्रकार हमारे बीच इतना साधारण होकर चला गया और हम विलाप करने के लिए उनके पीछे छूट गए। तो इस विलाप से हम श्रद्धांजलि नहीं दे पाएंगे आलोक जी को। मुझे लगता है कि जब तक कि हम उनके लिखे हुए से एक आलाप नहीं करेंगे ना, तब तक चीजें हम अगली जनरेशन को ट्रांसफर नहीं। आलोक जी की जो सबसे बड़ी कमी मुझे लगती थी और जिसकी शिकायत मैंने उनसे जीते जी भी की थी जब वो थे हमारे बीच, और मैंने हमेशा कहा था कि आप क्या कभी सोचते हैं कि आप अपने पीछे क्या छोड़कर जाएंगे। हर बड़ा पत्रकार, हर बड़ा लेखक अपने आप में, उस पर एक जिम्मेदारी भी होती है कि वो एक स्कूल की तरह हो। बिल्कुल। वो अपनी तरह के लोग पैदा करे, वो अपनी तरह के सोच के साथ लोगों को जोड़े जो उसके बाद उस परंपरा के साथ जुड़े। आलोक जी की परंपरा उनके साथ ही खत्म हो गई, वो एक स्कूल नहीं बना पाए। अगर आप आज के संदर्भ में कहें तो मुझे लगता है कि उनसे बहुत बौने कद के लोगों ने अपने पीछे कतारें खड़ी की। ये अलग बात है कि वो डिरेल्ड लोग थे, है, लेकिन जो चाहिए था वो आलोक जी को जरूर करना चाहिए था, और उसकी कमी अब महसूस होती है कि हमने आलोक जी के साथ ही क्या छोड़ दिया, क्या गंवा दिया, जो चीज अभी हमारे बीच होनी थी। दरअसल जिस उम्र में वो गए उसमें कोई भी मानसिक तौर पर तैयार नहीं था कि वो हमारे बीच नहीं रहेंगे, तो हमेशा ही लगता था कि वो लौटेंगे, फिर से सक्रिय होंगे, और हो भी गए थे। वेब जर्नलिज्म में, सोशल मीडिया, सही बात है, उन्होंने अपने को इनवाइट किया था। किसी से न डरना, किसी से न दबना, मुकदमों से पीछे नहीं भागना, ये सब हम भूल चुके हैं। दरअसल एक कानूनी नोटिस आने पर हम जिस तरीके से घबरा जाते हैं, तो एक आदमी कैसे नोटिस को सिरहाने रख के आराम से 8 घंटे की नींद ले सकता है, वो एक खाटी पत्रकार ही कर सकता है। तो आलोक जी खाटी पत्रकार थे, उन्होंने पत्रकारिता के अलावा कुछ किया नहीं। तो और ऐसा खाटी पत्रकारीय जीवन वही जी सकता है जो भीतर से बहुत ईमानदार हो, जो बेईमान हो, जिसको मैनिपुलेशन करना हो और उस मैनिपुलेशन से अपने लिए कोई फायदा अर्जित करना हो, वो ये नहीं कर पाएगा। इसीलिए सिख दंगे की जो रिपोर्टिंग उन्होंने की है, वैसी रिपोर्टिंग उस समय तो सैकड़ों लोग वही उन्हीं गलियों में घूम रहे थे, वही सब देख रहे थे, वही सब लिख रहे थे, लेकिन वो धार किसी में क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि मैनिपुलेशन था, वही अपनी ही भाषा, अपने ही व्यक्तित्व और अपने ही दायित्व को लेकर ईमानदार नहीं थे जो लोग लिख रहे थे। तो आलोक जी एक खाटी पत्रकार, भयानक, अब वो खुद ही नहीं मानते थे कि सरोकार जैसी कोई चीज होती है। अब सोचिए कि इतना निर्मोही आदमी मिलेगा क्या कि जिसने इतना बड़ा काम किया और उसने कहा यार सरोकार वगैरह कुछ होता नहीं, मैं अपना काम करता हूँ, जो कर दिया सो कर दिया, अब तुम लोग देखो मैंने क्या किया है नहीं किया है, मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम लोग जय जयकार करो, मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम लोग मुर्दाबाद करो। तो इतना निर्मोही, इतना निराकार आदमी पत्रकारिता में हमारे बीच था और हमने सस्ते में खो दिया आलोक जी को। आपने उनके साथ काम किया है, मतलब एक पत्रकार को लोकतांत्रिक होना चाहिए, जातिवाद और धर्मवाद न हो, सांप्रदायिक न हो, कास्टिस्ट न हो, स्त्री विरोधी न हो, हमारे जो समाज के जो दलित, अल्पसंख्यक और ऐसे लोग जो हाशिए पे हैं उनका सम्मान करे, उनकी पीड़ा को महसूस करे। क्या आलोक जी के अंदर आपने कुछ इस तरह के वैल्यूज को देखा, महसूस किया, मतलब जो नजदीक से आप, चूंकि उन्होंने काम किया है, देखा है, जानते हैं आप? आलोक जी कम से कम स्त्रियों को लेकर वो जैसी राय रखते थे, वैसी राय तो तमाम, मुझे लगता है कि आप कहें फेमिनिस्ट स्त्रियां भी नहीं रखती। अच्छा, मतलब मुझे याद है कि उनकी बेटी तब बहुत छोटी थी और वो मतलब किशोरावस्था में जा रही थी, और वो अक्सर अपनी बेटी से उसके बॉयफ्रेंड की बातें किया करते थे, उसको छेड़ते थे कि तुम कैसी हो, तुम्हारे पास कोई फोन ही नहीं आता है, तुम कैसी हो, तुमको कोई फूल ही नहीं देता है। और वो बड़ी चिढ़ती थी कि पापा जब होगा तो मैं बताऊंगी ना।
तो और वो और सबके सामने, ऐसा भी नहीं है कि किसी गुपचुप तरीके से, हम मतलब हम लोग पारिवारिक लोग थे, लेकिन तब भी वो एकदम खुलकर छेड़ते थे कि देखो यार ये ऐसे ही बैठी हुई है, इसका तो कुछ नहीं, अब अपने बाप को कहेगी कि चलो अब मुझे घुमाने ले चलो, अब मैं इस उम्र में इसको घुमाने ले चलूंगा, फौजो कौन घुमाने ले जाएगा तुमको। अब सोचिए ये कहने को, ये आप कह देने में बहुत साधारण बात लगती है, बहुत बड़ी बात, लेकिन जब आप उसको जीते हैं ना तो उसके लिए एक जिगर चाहिए, उतना खुलापन होना चाहिए, डेमोक्रेटिक स्पेस आपके भीतर होना चाहिए। कोई भी आदमी कब आ रहा है उनके दफ्तर में, कोई भी आदमी कब जा रहा है, इस बात से उनको कोई लेना देना नहीं है, तब तक जब तक कि काम एकदम ही सफर न करने लगे। तो उनका बड़ा अच्छा था कि जब वो बहुत नाराज होते थे तो, और अपने बहुत प्रिय लोगों से, तो वो रूठ जाते थे बजाय गुस्सा करने के। जैसे मुझे वो बहुत मानते थे और मैं इस मामले में खुशकिस्मत हूं, तो ऊपर वो रहते थे, नीचे उनका दफ्तर था, तो जब वो मुझसे बहुत नाराज हो जाते थे किसी बात से, तो वो नाराज होकर ऊपर चले जाते थे और सो जाते थे, और जब मैं नीचे से फोन करता था कि अरे वो आकर एक बार देख तो लें, तो सुप्रिया जी से कहते थे कि मैं उससे बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, तुम उसको कह दो कि उसको काम करना हो करो, नहीं करना हो नहीं करो, मुझसे बात न करे। और ऐसा 3-4 दिन तक चलता था, और फिर सुप्रिया जी कहते थे कि तुम ही माफी मांग लोगे तो क्या हो जाएगा, फिर मैं कहता था कि मैं क्यों माफी मांगू, वो माफी मांगेंगे, मैंने थोड़ी ना कोई गलती की है। तो कहते तुम लोग का झगड़ा, तुम लोग अपना सुलझाओ जल्दी, मुझे तनाव होता है इस वजह से। तो अब सोचिए ये कितना खूबसूरत है, एक कर्मचारी के साथ एक मालिक का रिश्ता, अगर आप मैं एकदम सीधे तौर पर कहूं तो ये मालिक और नौकर का रिश्ता था। लेकिन क्या आज के पत्रकारीय स्पेस में हम इस तरह के रिश्ते की कल्पना भी कर सकते हैं? बिल्कुल। और इससे चीजें बनती हैं, कम से कम निजी तौर पर मेरी भाषा, मेरी सोच, अगर आप मानते हैं कि मैं, मेरे भीतर कोई लोकतांत्रिक चेतना है, अगर मेरे भीतर स्त्रियों को लेकर, दलितों को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर, गरीबों पिछड़ों किसानों को लेकर कोई भाव आया है, तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा आलोक जी का था। आलोक जी में भी एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके बैकग्राउंड का था। बिल्कुल। वो जिस बैकग्राउंड से आते थे, चंबल से, भिंड मुरैना से, वहां उन्होंने बहुत प्रचंड किस्म की गरीबी देखी, उसको झेला, उस बैकग्राउंड में आप अपने आसपास के लोगों को, उन्होंने डकैतों का जीवन देखा, जो मजबूरी में बागी बने, मजबूरी में मलखान सिंह के साथ वो रहे, तो उन्होंने देखा है कि हर चीज के पीछे एक कहानी होती है, हर व्यक्ति के पीछे, आप डकैतों के पीछे अगर आज की तारीख में आप सोचिए कि कितना बुरा है कि हम एक ऐसे खांचे में सोचने के लिए मजबूर कर दिए गए हैं, जहां हम मानते हैं कि नक्सली मतलब उसको मार देना चाहिए, हम मानते हैं कश्मीरी मतलब उसकी हत्या कर देनी चाहिए, मुसलमान मतलब उसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए, हम जिस तरीके के दलदल में धकेल दिए गए हैं, उस दलदल में चंबल के डकैतों के पीछे का मानवीय जीवन देख लेना, उनकी लोकतांत्रिक आस्थाओं को समझ लेना, उनकी जरूरतों को लिख देना, उनकी चेतना के साथ अपनी चेतना को एकाकार कर लेना, ये कोई साधारण बात नहीं थी, ये असाधारणता उनके व्यक्तित्व की विशालता थी जिसको वो खुद ही मानने को तैयार नहीं थे। मुझे तो हमेशा ही इस बात से कोफ्त होती रही कि वो खुद ही कभी नहीं मानते रहे कि वो कुछ बड़े किस्म के पत्रकार हैं, या उनके भीतर कोई ऐसा गुण है जो बाकियों में नहीं है, वो अपने आप को एक साधारण, निरपेक्ष, बहुत जीवन से निष्प्रिय आदमी जैसे चलता है, चलो लड्डू खाना है तो लड्डू खा लेते, फिर वो भूल जाते थे कि सामने के चौराहे पर 4 लोग घूर रहे हैं, मतलब एक से एक चीजें उनके जीवन में थी और लाजवाब चीजें थी। अब सोचिए कि आलोक जी के बारे में, आलोक जी को एक बड़ी बुरी लत थी, और जो बाद में छूटी कि नहीं छूटी मुझे नहीं मालूम, इसके बारे में सुप्रिया जी, तब हवाई जहाज में ना खाना परोसा जाता था और बड़े शानदार किस्म से खाना परोसा जाता था, तो आलोक जी को फ्लाइट का चम्मच ना वो बड़ा अच्छा लगता था, वो लंबी डंडी वाला चम्मच, तो वो चम्मच क्या करते थे कि खाते थे और चम्मच जेब में रख लेते थे और उतर जाते थे। एक दफा उन्होंने क्या किया कि चम्मच, 2 चम्मच वो और सुप्रिया जी, उन्होंने सुप्रिया जी के पर्स में रख दिया। अब सामने ही उन्होंने पर्स खोल दिया उसके फ्लाइट अटेंडेंट के सामने सुप्रिया जी ने, और उसमें चम्मच, अब वो एकदम तमतम आ गई। तो आलोक जी ने क्या हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, तो सवाल उस चम्मच का नहीं था। आप अगर आज की तारीख में कहें तो मतलब लगता था कि एक आदमी कितना बिंदास था, तो ठीक है ना यार अब क्या है, मतलब एक इतना साधारण आदमी, और जब वो लिखता था तो उन्होंने कभी अपने रिश्तों को छुपाया नहीं,
कभी उन रिश्तों का फायदा नहीं उठाया, कभी उसको अपने ऊपर हावी भी नहीं होने दिया। वो जैसे जीते थे वैसे जीते रहे, रिश्ते बनते रहे, बिगड़ते रहे, सुधरते रहे। उसका उन्होंने कुछ बहुत ज्यादा जीवन में महत्व दिया नहीं। तो ये आलोक जी की खासियत बहुत बड़ी थी, जो हम सब लोगों को सोचना चाहिए कि जब हम नहीं रहेंगे तो हमारे पीछे क्या रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन भाई, हम लोग आलोक जी के किसी और पहलू पर फिर कभी बात करेंगे। बिल्कुल, और शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया।